आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12th के लिए रहेगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए रहेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति का जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तैयारी के लिए नंबर वन चैनल है तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आगे कहने का मौका नहीं दीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बता दें कि ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो वीवीआई क्वेश्चन है, और लास्ट में आपको हम तैयारी इसलिए ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव कम से कम पढ़ के आप बेहतर अंक ला पाइएगा बिल्कुल रूप से। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, जो भी मन में सोच रहे होंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो नंबर है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पे जन्म है तो यहाँ पे जन्म हो जाएगा, जन्म कब हुआ था, तो उनका जो जन्म है वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। हमने पीछे भी कई क्लास दे चुके हैं तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर भी अगर ताकत है तो इस बार के एग्जाम को आप लोग तोड़ के दिखाइए और कम से कम 450 प्लस अंक लेकर दिखाइए तो बिल्कुल रूप से आ पाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी क्लास को बिल्कुल तरस दे रहे हैं। सभी विषय होता है वैसे, अगर आपको पता नहीं तो आप जुड़कर तो देखिए। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, याद रखिएगा तीन का आंसर होगा सी, प्रभावती देवी, बिल्कुल रूप से आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चार नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, याद रखिएगा किसकी रचना है। चार नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, जयप्रकाश नारायण जी का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए ये सभी इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, और साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए इंपोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है केवल साइंस है या केवल आर्ट्स है। तो पांच का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल रूप से सही है। छह है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कितने ईस्वी में, 1990 में दिया गया था या 1998 में या 1978 में या 1974 में, आपको जवाब बताना है छह का। तो छह का जो आंसर है वो होगा बी, 1998 में, 2019 से दो साल पीछे, है ना। तो रन हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर पानी भी आएगा, बस आप मेहनत तो करते रहिए यार, बहुत बेहतर अंक आ जाएगा, है ना। सात नंबर है, उर्वशी किसकी रचना। देखिए ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर एक बार लगता है पूछा गया प्रश्न, और बार बार ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, उर्वशी, ठीक है, उर्वशी उड़ने वाली बात है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से करेक्ट है। दस आठ है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है, माटी की मूर्ति यह रचना किन की है। यहाँ पे चार दिया हुआ है, कवि का या फिर कहानीकार का नाम है, लेखक का नाम, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन राम वृक्ष बेनीपुरी, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नौ है, दिनकर जी किसकी किस लिए प्रसिद्ध थे, ये देखिए सिंपल सी बात है, ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है दिनकर जी, लेकिन यहाँ पे राष्ट्र कवि ऑप्शन में है नहीं, आपको घबराने की बात नहीं, ये साहित्यक रचना के लिए भी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल रूप से सही। दस है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जानते हैं, ऊपर में हमने बनाए थे पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, ठीक है। ग्यारह नंबर, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। देखिए बहुत अच्छा है, कहाँ और कब दिया था, ये दिए पटना में दिए थे 5 जून 1974 का, उसी समय प्रसिद्ध हुई हो गई थी। बारह है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश जी के बचपन का जो नाम था वो नाम था इनका बाउल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेरह है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, किस साल किए थे, तो हो जाएगा आंसर सी, 1974 में किए थे छात्र आंदोलन में, उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चौदह है, जयप्रकाश नारायण के लिए पिताजी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षू दयाल, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल रूप से सही है। पंद्रह है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है संपूर्ण क्रांति है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही लिखा गया है, आंसर आपका सी। घबराने की आवश्यकता नहीं, हम सारे क्लास को देते रहते हैं, तो आप अभी से बस इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जो भी लोग हैं सभी को ले आइए और आके डेली क्लास कीजिए। आपका डेली क्लास चलता है लगभग 8:20 से चलता है क्लास। संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति देखिए यह एक भाषण है, ठीक है, जो पटना में दिया गया था, हाँ पटना में सर दिया गया था, 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 17 है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, ये नहीं होगा किसकी देन है, तो 17 का आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण जी का देन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 18 है, किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, वाह किसने कहा कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को
जाना है। तो ये बात किसने बताया था? ये बात बताए थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का कहाँ निधन हुआ था, यानी मरे कहाँ थे, डेथ कहाँ हुआ था, तो फटाफट कमेंट कीजिए। पता है तो यहाँ तो बिलिंगडन नर्सिंग होम, डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। 20 शब्दों के विशेष समय नहीं लेंगे आपका। जयप्रकाश नारायण को किसकी दलाल कहा गया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा इसको। तो जगह डी आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है। 21 जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण जी को जो डॉक्टर साहब उनके स्वास्थ्य को ख्याल रखते थे, तो डॉक्टर साहब का नाम क्या था? तो वो डॉक्टर साहब थे डॉक्टर रहमान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का मौका मिला था, यानी जाने की प्रेरणा मिली थी? देख बहुत अच्छा है, किसका भाषण सुनकर के? तो बहुत अच्छा है, किसी का भाषण सुनकर लोग अमेरिका पहुंच जाता है। अब आप लोग इस क्लास को करके कहाँ जाइएगा? तो स्वामी सत्यदेव जी ने बताए थे आप लोग को भी बहुत ऊंचा शिखर को छूना है। जुड़े ही हमारे साथ, हमारे एक विषय की तैयारी करवाएंगे आपको। फ्री प्रेस का मालिक कौन थे? फ्री प्रेस का मालिक जो थे वो थे आपका सदानंद जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24 ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कर दोहरा दीजिएगा, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। 24 का ये होगा उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? देखिए ISC मतलब होता है इंटर, ISC मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है, ठीक है, ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है। तो कहाँ से पढ़ किए थे ये? तो देखिए कहीं विदेश जाके नहीं पढ़े थे, बिहार विद्यापीठ यानी बिहार से ही पढ़े थे, राइट आंसर डी होगा। चलिए 26 लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपका सोशल साइंस में भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 1924 में हुआ था, ठीक है, डेट हो गया, तो 1924 में, तो 26 का आंसर हो गया वो आपका डी ऑप्शन। 27 जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? देखिए मार्क्सवादी थे, गांधी जी के साथ रहने से रहते ही बन गए थे ये, ठीक है। तो 27 का आंसर 1924 ही मारिएगा, जब लेनिन की मृत्यु हुआ था तब से। 28 फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन है? देखिए फणीश्वरनाथ रेणु है जो कि 8वां 9वां में आप लोग पढ़े होंगे इनके बारे में, इनके पुस्तक का जो नाम है वो है मैला आंचल। वैसे फणीश्वरनाथ रेणु एक माँ है, तो मैला आंचल यहाँ पे याद रखिएगा, माँ की वाले बात। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए 1974 की बात है, वहाँ बिहार के, अपना बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफ्फर, गफ्फुर डी ऑप्शन हो जाएगा। 30 जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविशिष्ट किसके हाथों में है? अविशिष्ट विष्ठा किसके हाथों में? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये है नई पीढ़ी के हाथों में। देखिए इसी तरह और प्रश्न है, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारा प्रश्न आंसर भी आपको मिल जाएगा। विशेष दिक्कत होने पे आप PDF इसका चाहते लेना बिल्कुल फ्री में, तो वो भी कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप गूगल पे जा करके और इस चैनल का नाम आप सर्च कर करके और यहाँ पे आकर हर एक विषय को पढ़ सकते हैं, माधव NCERT क्लासेस। देखिए हम गूगल पे सर्च मारे ना, अब देखिए यहाँ पे ये वाले ऑप्शन जहाँ पे भी आ जाएगा आपका ये वाला, यह पे क्लिक करना है। यह पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो विषय आपको पढ़ना है क्लास टेंथ में, तो टेंथ में, ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में जाइए, तो ट्वेल्थ में चल जाइए। और जाने के बाद जो भी विषय आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करके पढ़िए, खोल के पढ़िए, सारे के सारे आपके तैयारी के लिए, आपकी सेवा में हम दिन रात लगे हुए हैं, अभी भी लगे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे आकर के आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल रूप से यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक लीजिए जय हिंद।